महानगर के रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में हो रहे दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव 2021 के पहले दिन क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया, जिसका सदर सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पार्चन करने के पश्चात दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए स्टॉल लगाए गए उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की और आयोजक समिति का उत्साहवर्धन करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्घाटन अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजकों द्वारा सदर सांसद रवि किशन शुक्ला को बुके, अंगवस्त्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, का भी आगमन हुआ। मैं सभी से गुजारिश कर मुख्य अतिथि महोदय हमारे गोरखपुरियों के साथ इस अवसर का अभिनंदन, जोरदार तालियां बच्चों से मॉडल से सम्मान किया है, जोरदार तालियां। स्वामी विवेकानंद की जयंती जब पूरी दुनिया मना रही, जब पूरी दुनिया के प्रत्येक मनस पटल पर मीडिया बंधुओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं तालियों के साथ ही। हाँ भाई हो जाएगा। भैया भाई इधर देख लीजिए भाई, तालियों के साथ अभिनंदन तालियां। यह कुंती की धरती है, कौंतेय की धरती है, जहां हम स्वागत में इस तरह भिज गए कि महाराज, एक बार तालियों के साथ इस अवसर का अभिनंदन। पूरे देश में मैं निवेदन करती हूँ महादेव भाई आदेश का पालन। मैं गुजारिश करती हूँ हमारे विज्ञान समिति से, डीडी स्टैट सर से, कि आप लोग अनुशासन का परिचय दें। सांसद महोदय आपसे ही मिलने आए हैं और यह क्रम पूरे देश में हमारे सांसद महोदय को 24वां स्थान और पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला। ऐसे सांसद जिन्होंने लगातार इसको तो बताना चाहिए सरकार को, ये तो अच्छा कल तो इसने बनाया। पीछे हट के बताइए, कहाँ के हो आप? वाराणसी के हो। वाह, ये पूर्वांचल के बच्चे ने बनाया है कि अगर 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर भी किसी टेररिस्ट की एक्टिविटी रही या पाकिस्तान या चाइना से घुसेगा तो हमारे जवान को 25 किलोमीटर पहले सेंसर से ऐसा सिग्नल मिल जाएगा और वो पता चलो अलर्ट हो जाएगा। वो लेंस भी सर को दिखा दो। उपस्थिति है गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से फिजिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर रणेंद्र कुमार जी का तालियों के साथ अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे बीच अभिनंदन, इसी बीच हमारे बीच उपस्थिति है, इसी बीच हमारे बीच आगमन हुआ है शमशाद अहमद खान एसोसिएट प्रोफेसर सेंट्रल यूथ कॉलेज, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। मोहम्मद राशिद तनवीर जी का तालियों के साथ अभिनंदन। टेक्निक जो है जो न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं सर की पुस्तकें पढ़कर हमारे बीच एक नया आयाम मिलता है। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, प्रोफेसर ज्योति सिंह ट्रिपल है का अभिनंदन है, अभिनंदन है डॉक्टर सोम शंकर दुबे जी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर डीडीयू। अच्छा ये बात है कि पूज्य महाराज जी ने कोरोना काल के बाद भी 2021 शुरू हुआ तो ऐसे प्रधानमंत्री जी का भी आदेश निर्देश था कि संभालते हुए थोड़ा सा हम लोग निकलेंगे, तो अब मैं आपसे बात करने के लिए मास्क निकाला हूँ, मास्क है हमारे पास,
सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं, लेकिन गोरखपुर की जनता को ये भी बताना है कि जीवन चल रहा है, हम लोग इतना न डरें, थोड़ा संभाल के रहें। अब कोरोना वैक्सीन भी 16 जनवरी से प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिए, टीकाकरण भी होगा, हम लोग एक नई जिंदगी की तरफ, नई शुरुआत की तरफ जाएंगे। 2020 को भूल के हमको बढ़ना है। तो हमारे बच्चों ने जो गोरखपुर के जो विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है, उसको भी देखना है। हम लोगों ने छोटा किया है, लेकिन अद्भुत होगा। चौरी चौरा कांड होगा, यहाँ पर विदेशिया का नाटक होगा, 52 क्षेत्रीय कलाकारों को मौका मिल रहा है। अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मैथिली ठाकुर का परफॉर्मेंस होगा, मेरा काव्य पाठ आज शाम को 6 बजे होगा। तो बड़ी बहुत सारी नई नई चीज़ें होने वाली हैं।